चलिए आज एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलते हैं, शुभम झा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 46 है। और शुभम, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी बधाई। और शुभम जो है वो कोलकाता से हैं, तो ढेर सारी बधाई बेटा आपको। थैंक यू सर, इसमें बहुत बड़ा रोल सर आपका और प्रतीक सर का है सर। तो शुभम जो है वो इम्पीटस गुरुकुल के ऑनलाइन स्टूडेंट थे, और सबसे खास बात है शुभम ने फाइनल ईयर के साथ ही प्रिपरेशन की। देखिए, एक अच्छी चीज जो हुई है पिछले 2-3 सालों में कि पहले एक मेंटेलिटी थी बच्चे की कि जब कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करेंगे या घंटों बैठेंगे जब ही होगा, पर ये मेंटेलिटी काफी हद तक इम्पीटस गुरुकुल ने चेंज किया। आज इम्पीटस गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासरूम के इतने अच्छे रिजल्ट हैं और बच्चे अपने घर रह के प्रेशर फ्री होके अच्छी पढ़ाई करते हैं, आज अच्छी रैंक दे रहे हैं, उन्हीं में से एक आप हो। तो शुभम, मैं चाहूंगा, क्योंकि कई बार फाइनल ईयर के साथ ही निकलना पॉसिबल नहीं होता, तो हर बच्चा जब सोचता था कि कहीं कोचिंग करने के लिए जाए तो वो ड्रॉप लेता था फिर एक या दो, पर अब अच्छी बात यह कि ऑनलाइन के इम्पीटस के बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शुभम, आपने फाइनल ईयर के साथ ही कैसे मैनेज किया और आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, अपनी सक्सेस जर्नी में चाहूंगा आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल सर। सर, मैंने निमसेट के लिए एक्चुअली सीरियसली जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था सितंबर 2020 को, और उस टाइम से लेके लगभग इस साल के मार्च के एंड तक तो मेरा सिलेबस खत्म करने में ही निकल गया, और उस बीच मेरे 2 सेमेस्टर एग्जाम भी थे। तो मैंने सिलेबस मेनली खत्म किया है एरएलएस मैथमेटिक्स बुक से। तो उस बुक का जो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक किया है, और उसके साथ साथ जो हर एक चैप्टर जब मैं करता था तो उसका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे लगभग 5-6-7 साल के, तो वो कर लेता था मैं, ठीक है। और ये भी मुझे प्रीवियस ईयर के टॉपर से ही ये टिप मिली थी, ये ऐसा करना है। और इसके साथ साथ मैं कोलकाता में ही एक यहाँ का एक लोकल इंस्टीट्यूट से मैं कोचिंग लेता था, तो वहाँ के जो क्लास टेस्ट होते थे वो भी देता था। ओके। और ओके, तो ऐसा करते करते मार्च का एंड आ गया और अब अप्रैल आ गया था, तो मुझे पता नहीं था कि एग्जाम डिले होगा, तब तो मई में ही होने वाला था। तो उस टाइम को मैंने मुझे पहली बार एक्चुअली पता चला मैजिकल कैप्स रिपोर्ट्स के बारे में, तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और मैजिकल टेस्ट सीरीज के लिए भी रजिस्टर कर दिया। तो अब मेरा फर्स्ट रिवीजन शुरू हो रहा था जो कि चल रहा था मैजिकल कैप्सूल सीरीज के पैरेलली, तो वहां आपके वीडियोस से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, एडवाइस, आपका जो जिस एरिया पे मैं लैक कर रहा हूँ उस एरिया पे आपका जो कॉन्सेप्ट है उनसे खुद को इम्प्रूव करना, ये सब चीजें चलता रहता था सर। तो ये सब हो गया लगभग जून के एंड तक। अब जुलाई में जाके मैंने एक और बार रिवीजन किया जो कि मेरा सेकंड रिवीजन था, जो आप कहते हैं क्विक रिवीजन। आपने एक मास्टर प्लान दिया था जुलाई में, तो उसी प्लान के हिसाब से मैंने जुलाई में भी अपना एक रिवीजन किया। तो ये तो हो गई सारी सिलेबस की बात है। अब आते टेस्ट पे। तो टेस्ट मैंने एक्चुअली इसी साल के जून के मिड से स्टार्ट किया था, और जून के मिड से लेके निमसेट तक टोटल 1.5 महीने में मैंने 14 टेस्ट दिए हैं, 14 टेस्ट, जो कि काफी कम है मेरे दूसरे साथियों के मुकाबले। लेकिन एक बात है सर, मैंने वो हर एक टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, मतलब बहुत ही अच्छे से। पहले पहले तो एनालिसिस करने में 3-4 दिन लग जाते थे एक एक टेस्ट का, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो 2 दिन 1.5 दिन, और आखिर के दिनों में तो एक ही दिन में टेस्ट और उसका एनालिसिस दोनों ही हो जाया करता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा वो जो टोटल सिलेबस और उसका रिवीजन है वो उसका कंट्रीब्यूशन मेरे प्रिपरेशन में है 50%, और ये टेस्ट और इसका एनालिसिस इसका कंट्रीब्यूशन है 50%। तो जब मैंने एनालिसिस किया तब काफी सारे नए चीजें पता चली कि शायद ऐसा भी होता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं ये सब कर सकूंगा, मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैं अटक गया 2-3 मिनट 4 मिनट तक, जो कि बिना टेस्ट दिए ये सब प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती। तो स्पेशली सर आपका जो इम्पीटस का जो टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है, तो टेस्टिंग के बाद मुझे ये भी दिखता था कि मैंने हर एक क्वेश्चन में कितने सेकंड्स बिताए हैं, तो उससे पता चलता था कि मैं स्टक हो जा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन को लेके। तो वो सारी चीजें एक एक करके पता चलती गई और मैं उनको सुधारता गया, और ऐसे करते करते निमसेट एग्जाम आ गया, और लगभग 14 टेस्ट देने के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस आ चुका था। मतलब मैंने जब पहला टेस्ट दिया था निमसेट 2020 वाला दिया था, क्योंकि उसका हर एक क्वेश्चन मुझे मैंने क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे थे, तो मेरा आइडिया था कि 2020 में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो मैंने जानबूझ के वो वाला पहले दिया था कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो मेरा पहला टेस्ट में मेरा आया था 652, और उसके बाद के टेस्ट में कभी कभी 400 से नीचे भी आ जाते थे, कभी कभी 750 से ऊपर भी आ जाते थे, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स मैंने बहुत अच्छे से हर एक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया, वो भी 4 सब्जेक्ट का। इंग्लिश उतना नहीं किया लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से किया, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन
मतलब अगर मैंने आज टेस्ट दिया और उसके बाद 3 दिन मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद मैं दोबारा टेस्ट दूंगा तो मेरे 900 से ऊपर मार्क्स आएंगे, इस लेवल का एनालिसिस था हर एक टेस्ट में। तो मुझे लगता है वो एनालिसिस ही है जो अच्छा रिजल्ट लाती है सर, बिकॉज टेस्ट तो सिर्फ 2 घंटे का ही होता है। बिल्कुल सही बात बोली शुभम, मैं पूरे साल बच्चों से एक ही बात बोलता हूं, आपने मेरा लेक्चर सुना होगा कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप टेस्ट पेपर दो, आपका स्कोर जो भी आया डजेंट मैटर, पर आपने उसका एनालिसिस ऐसे कर लिया कि वो पेपर दोबारा आया और आपने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए, इस मीन्स कि आपने बिल्कुल सही किया। देखो आपने कम टेस्ट को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया, एक ही बुक पकड़ी आपने एरलेस पर उसको अच्छे से सॉल्व किया यही, और इस क्योंकि आपको ये भी पता था फाइनल ईयर का एग्जाम है तो दोनों को मैनेज करने के लिए ज्यादा आप बुक्स सॉल्व करने की कोशिश करते, ज्यादा पेपर तो आप दोनों जगह मैनेज नहीं कर पाते, कई बार ये बच्चे गलती करते हैं और आपने इस बात पे बहुत ध्यान रखा, ये बहुत खुशी की बात है। और ये जूनियर के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दें, जो चीज पढ़े उसको अच्छे से समझ के पढ़े, उसका एनालिसिस करें और जब कभी भी वो क्वेश्चन दोबारा आए तो उनको बन जाए। अगर ये किसी ने फॉलो कर लिया तो आई थिंक वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। बिल्कुल सच बात बोली शुभम। तो शुभम आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, स्पेशली जो फाइनल ईयर में है, क्योंकि वैसे तो आपने काफी अच्छा मैसेज दे दिया, फिर भी आपके कुछ लास्ट फ्यू गोल्डन वर्ड हो तो जरूर बोलिए। जी बिल्कुल सर, तो जो भी मेरे जूनियर्स है, जो लोग जो भी हो आप लोग की फाइनल ईयर के साथ कर रहे हो, मैं कहना चाहूंगा कि देखो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही होते हैं, तो अगर आप ऐसा करो कि जब आपका ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो उस क्लास को बहुत अच्छे से सुनो, भले ही आप इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, लेकिन अगर आपने क्लास में बहुत अच्छे से सुन लिया तो 50% तो पढ़ाई वहीं पे हो गया। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन का सिलेबस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर एक दिन में 3-4 क्लास हो जाए और अगर आप इवनिंग या रात को रात के पहले ही अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी दोगे कि जो भी उस दिन क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक बार देख लिया, तो मैं यही करता था एक्चुअली, तो इससे ज्यादा और दिक्कतें नहीं आती। और एग्जाम के ठीक 10-12 दिन पहले से मैं निमसेट की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे के सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करता था, और एकदम दिन रात कॉलेज की पढ़ाई करता था और उससे ही अच्छे मार्क्स आ जाते थे कॉलेज में। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए निमसेट पे कोई एफेक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सब हमारे अंदर, मतलब ये डर होता है कि अगर हम निमसेट के साथ साथ कॉलेज करेंगे तो कॉलेज में बैक आ जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी अच्छी तरह से पढ़ाई की है या फिर अगर नहीं भी की है तो इस सेमेस्टर के अगर शुरू से ही आप हर एक क्लास को ध्यान से सुनो तो आप देखोगे कि 1 महीने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि सिलेबस तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल सही है शुभम, काफी अच्छी बातें बताई आपने और मुझे लगता है ये मैसेज जब बच्चे सुनेंगे तो काफी हाईली मोटिवेट भी होंगे और उनके पढ़ाई का नजरिया भी बदलेगा कि बहुत ज्यादा बुक्स की जगह जो लिमिटेड बुक्स है उनको सॉल्व किया जाए, अच्छे से पेपर का एनालिसिस किया जाए, प्रॉपरली नोट्स बनाए और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग पे बहुत वर्क किया जाए और जो भी टेस्ट पेपर दिया जाए उसका अच्छे से एनालिसिस किया जाए। तो शुभम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर एक और लास्ट बात है, मैं बता देना चाहूंगा कि ये मैंने अपना तरीका बताया और हो सकता है मेरे कुछ पीयर से वो अपना तरीका बताया, सारे ही अपनी अपनी जगह पे सही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सब में शायद एक बात कॉमन है कि हमने सब कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहे। शायद मैंने उतना ज्यादा शुरू शुरू में ही मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जब जब भी मुझे कुछ पॉइंटर मिला कि इस चीज को इम्प्रूव करना है तो मैं वो सब इनकॉर्पोरेट करता गया। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी जूनियर अगर देख रहा है तो आपको ऐसा नहीं कि मेरा ही तरीका फॉलो करना है या किसी और का करना है, आप अपने तरीके से करो लेकिन आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने पढ़ाई ही नहीं की, बहुत कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और जैसा कि सर आपने पुराने सेशंस में कहते थे कि 100% इनपुट इज इक्वल टू 100% आउटपुट, तो मैंने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखा सर कि मेरे तरफ से अगर कोई, मतलब मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, तो मैंने यही किया। मैंने कोई रैंक का कोई सोचा भी नहीं था कि क्या रैंक होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे तो अच्छा ही रिजल्ट मिला, तो आई थिंक सबको ही ऐसा करने से मिलता है। बहुत अच्छी बात बोली शुभम। कई बच्चे ऐसा भी होते हैं कि जैसे आपका मैसेज सुना है किसी और का, फिर आज कुछ दिन आपको फॉलो किया, फिर अगला बच्चे ने बोला कुछ उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का भी, अंडरस्टैंडिंग का भी और प्रैक्टिस का भी। तो जैसे आपने बोला आपकी जहां कमी थी उसको आपने तुरंत इंप्रूवमेंट किया, दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो हर बच्चे को जो ये मैसेज सुन रहे हैं कि आप अपने आप को असेस करो कि आप कहां स्टैंड करो और अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से पढ़ाई करोगे तो फायदा मिलेगा। क्लासेस जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर करें, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो शुभम काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपको NIT त्रिची जाना है और त्रिची में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, कोलकाता का नाम आगे बढ़ाना है और अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी,
और उन सभी जूनियर्स का जो कि कई बार कंफ्यूज होते हैं या डिसीजन लेने में देर करते हैं, उनको भी गाइड करना है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।